जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दूसरे दिन मुकाबले में आया रविंद्र जडेजा का भयंकर तूफान। बीच मैदान पर ही न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोक डाले इतने रन और रच दिया ऐसा बड़ा इतिहास जिसे जानने के बाद पूरा भारत देश कर रहा नाज। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आज पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर कौन सा वो इतिहास रचा, उसी के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि दूसरे दिन के मुकाबले के दौरान जब बल्लेबाजी कर रहे थे श्रेयस अय्यर, तो उनको आउट करने के लिए न्यूजीलैंड टीम के गेंदबाज काइल जेमिसन ने कर दी एक ऐसी हरकत की देखने के बाद वीडियो आपको भी आएगा गुस्सा। तो दोस्तों, आखिरकार क्या ये पूरा वाक्य हुआ था बीच मैदान पर, इसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि बीसीसीआई ने दी रविंद्र जडेजा को बड़ी खुशखबरी, अचानक से लिया ऐसा बड़ा फैसला जिसने पूरे भारत देश को खुश कर दिया। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी और बल्लेबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, जहां पर पहला टेस्ट मुकाबला यहां कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया, जहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 84 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 258 रन बना लिए थे। और वहीं टीम की ओर से श्रेयस अय्यर ने 75 रनों की पारी खेली थी पहले दिन के दौरान, और वहीं रविंद्र जडेजा ने 50 रन की पारी खेलकर अर्धशतक लगाया था, जहां पर क्रीज पर जमे हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले दिन काफी अच्छा खेल दिखाया। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 208 गेंदों में 113 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमिसन ने 3 सफलताएं अपने नाम की, और वहीं टीम साउदी को 1 विकेट मिला था। हालांकि दोस्तों, तीसरे सत्र में श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की और बिना विकेट गवाए 28 ओवरों में 102 रन बनाकर टीम के खाते में जोड़े, जहां पर न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज भारत की बढ़ती साझेदारी को तोड़ने में असफल रहा। तो वहीं दोस्तों, इससे पहले चाय के समय भारतीय टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर 55 गेंदों में मात्र 17 रन बनाकर खेल रहे थे, और रविंद्र जडेजा ने 13 गेंदों में 6 रन की पारी खेली थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भारतीय टीम के बल्लेबाज इस पिच पर ऐसा प्रदर्शन कर दिखा पाएंगे, लेकिन दोस्तों, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने काफी अच्छा खेल दिखाया। हालांकि अब बात करें दूसरे दिन के खेल के बारे में, तो दोस्तों, दूसरे दिन भारतीय टीम पर हर किसी की निगाहें होंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दूसरा दिन काफी ज्यादा अहम है भारतीय पारी के लिहाज से, क्योंकि यहां पर अगर भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज थोड़े और समय के लिए टिक जाते हैं तो यहां पर ये दोनों ही बल्लेबाज मिलकर आपस में भारतीय टीम के स्कोर को 300 और 400 के पार ले जा सकते हैं। और ऐसे में हर किसी को उम्मीद होगी कि न्यूजीलैंड जैसी खतरनाक टीम के सामने इतना विशालकाय लक्ष्य जरूर सामने रखा जाए। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा के पास दूसरे दिन एक इतिहास रचने का भी बहुत बड़ा मौका है, जहां पर रविंद्र जडेजा मात्र इस मुकाबले में अगर 2 चौके और जड़ देते हैं, हालांकि हम आपको बताएं कि अभी तक पहले दिन का खेल समाप्त होने तक रविंद्र जडेजा ने अपनी पारी में 6 चौके जड़े थे, और ऐसे में अब 2 चौके अगर और रविंद्र जडेजा जड़ देते हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके जड़ने के मामले में शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड है, जहां पर उन्होंने 220 चौके इस दौरान लगाए थे, और वहीं रविंद्र जडेजा अभी 218 चौके लगा चुके हैं, और 2 चौके लगाने के बाद वो उनकी बराबरी कर तो वो एक एक्स्ट्रा चौका लगाकर 221 चौके अपने पूरे करते से इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। और वहीं बात करें अगर छक्कों की, तो छक्के के मामले में रविंद्र जडेजा 52 छक्के टेस्ट क्रिकेट में जड़ चुके हैं और शाहिद अफरीदी ने भी 52 छक्के जड़े हैं, और अगर एक छक्का और रविंद्र जडेजा जड़ देते हैं तो वो यहाँ पर इस कीर्तिमान को भी अपने नाम कर लेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं जो कि रविंद्र जडेजा के पास तोड़ने का काफी अच्छा और सुनहरा मौका है। बाकी अब आपकी क्या राय, क्या रविंद्र जडेजा इन रिकॉर्डों को अपने नाम कर पाएंगे या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, श्रेयस अय्यर ने जड़ा मॉन्स्टर छक्का, देखते रह गए जडेजा। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच के दौरान टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे श्रेयस अय्यर ने शानदार लय में बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। तो वहीं 84वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने आगे बढ़कर विलियम्स सोमरविल की गेंद पर मॉन्स्टर छक्का जड़ दिया, जहां पर दिन के अंतिम ओवर में विलियम्स सोमरविल ने श्रेयस अय्यर को छकाने की कोशिश की, लेकिन श्रेयस अय्यर ने गेंद की पिच पर पहुंचने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया और सीमा रेखा के पार ये छक्का पहुंचा दिया। बाकी आप यहां पर तस्वीरों में भी देख सकते हो। और आपकी क्या राय इस छक्के के बारे में, आप अपनी गिनती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हम बात
करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए आज भारतीय टीम शुरुआत में तो कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाई, लेकिन जब मध्यम क्रम के बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उन्होंने भारतीय टीम की पारी को उस लय में पहुंचाया जिसकी उसको जरूरत थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने आज पहले दिन के मुकाबले के दौरान अच्छा प्रदर्शन कर भारतीय टीम को इस मैच में बनाए रखा था। कि आज जब पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेने के बाद भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो भारत की तरफ से आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई। आउट होने के बाद शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक तो पूरा कर लिया, लेकिन वो अर्धशतकीय पारी को अपनी एक बड़ी पारी में तब्दील कर नहीं सके, जहां पर शुभमन गिल 93 गेंदों में मात्र 52 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया। तो वहीं शुभमन गिल के आउट होने के बाद फिर मैदान पर टिके हुए थे चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, जहां पर चेतेश्वर पुजारा ने 88 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 26 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके लगाए। हालांकि दोस्तों चेतेश्वर पुजारा का एक बार फिर से फ्लॉप शो जारी रहा। तो वहीं चेतेश्वर पुजारा के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर, जहां पर अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर के बीच में काफी अच्छी साझेदारी निभती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि अगले पल ही अजिंक्य रहाणे आउट होने वाले। इसके साथ ही भारतीय टीम को यहां पर चौथा बड़ा झटका कप्तान अजिंक्य रहाणे के रूप में लगा। तो वहीं अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर, जहां पर श्रेयस अय्यर आज के इस मैच में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 94 गेंदों में ही पहला अपना अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे। तो वहीं हम आपको बता दें कि आज श्रेयस अय्यर का ये डेब्यू मैच था, जहां पर श्रेयस अय्यर ने अपने डेब्यू मैच में ही 50 रन से ज्यादा की पारी खेली। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, इतनी जल्दी और ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से बनाने वाले शुभमन गिल पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने काफी बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया, जिसे जानने के बाद पूरा भारत देश खुश हो चुका है। और वहीं दोस्तों एक और कीर्तिमान ये है कि शुभमन गिल ने मात्र अपने 8 मैचों में ही 50 चौकों का भी आंकड़ा पार कर लिया है। और ऐसे में अब आपकी क्या राय है शुभमन गिल के इस रिकॉर्ड के बारे में, और आप शुभमन गिल को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे इस रिकॉर्ड के लिए? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये, हमें खेल रहे थे कि लग रहा था कि आज भारतीय टीम अपने विकेट काफी जल्दी गवा देगी, क्योंकि यहाँ पर जब मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए तो मयंक 2 चौके ही लगा सके। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में RS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।